जनपद गाजीपुर की जिलाधिकारी महोदया, मेरे पुलिस के सहयोगी अधिकारीगण, अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बहनों भाइयों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, धीरे धीरे जैसे समाज का क्रमिक विकास हुआ है वैसे वैसे पुलिस की भूमिका भी समाज में बदली है। पहले पुलिस को बड़े इस रूप में देखा जाता था कि कालांतर में बदलते रहे, पहले मित्र के रूप में, फिर पुलिस की आलोचनाएं शुरू हुई। शायद वो आलोचनाओं का कारण कभी कभी पुलिस का जो व्यवहार होता है पब्लिक के प्रति, उसके कारण आलोचनाओं का भी शिकार, और ये एक स्वस्थ परंपरा भी है। अगर कोई गलत करता तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, वो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा हुआ आदमी हो या जन सामान्य के रूप में। लेकिन पुलिस की जितनी भी, पुलिस को केवल एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले 15-20 साल में पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट माना जाने लगा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से आधारभूत सुविधाओं का हम विकास करते हैं, वैसे ही ये देखा गया है कि आजकल जहां भी कहीं कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है या सरकार का कोई स्पेसिफिक जोन आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन वगैरह आते हैं, वहां पुलिस की व्यवस्था पहले की जाती है। क्योंकि पुलिस के आने से वहां लोगों में एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है, जिससे कि लोगों के अंदर वहां पैसा खर्च करने का भी फिर उत्सुकता रहती है। और सामान्य रूप से ये देखा जा रहा है महाराज जी, जहां पुलिस का थाना है, यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें और यहाँ पर हमारे यूथ के रूप में बहुत सारी यंग लड़कियां भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी बच्चियां और दुल्हनिया और हथियारा मठ के क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकगण, पत्रकार बंधु, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हथियारा मठ जो एक सिद्धपीठ है, वहां पर अभी तक पुलिस की चौकी या पुलिस का कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, और उसका इनिशिएटिव माननीय पूजनीय महाराज जी ने लिया, और उसमें जो भी पूरक कार्य करने थे वो पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने संसाधनों से और अपने इच्छा शक्ति से, महाराज जी के सहयोग से इस चौकी को मूर्त रूप प्रदान किया। ये बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है जनपद का, और आगे अगर जनपद आजमगढ़ और लखनऊ वगैरह शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर एक पुलिस की उपस्थिति निश्चय ही बहुत सौभाग्य की बात है और अच्छा कार्य है। इसके लिए मैं महाराज जी को और पुलिस के महकमे में पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। चौकी बनने से निश्चय ही यहाँ के अपराध में नियंत्रण होगा और लोगों की जो जन शिकायतें हैं वो आराम से सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण भी होगा। जन शिकायतों के लिए हमारे अधिकारीगण सदैव आपके समक्ष तत्पर हैं, और सुबह 10 से 12 आप किसी भी सरकारी कार्यालय में और विशेष रूप से जो हमारे तहसील कार्यालय, ब्लॉक का कार्यालय और पुलिस के थाने और सीओ कार्यालय है, वहां पर आप जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चौकी होने से ये सहूलियत मिलेगी कि आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है वो भी है, तो उसके लिए आपको बहुत यहाँ पर आराम मिलेगा। मैं मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर जो बच्चे आई हुई है उनको देखकर बहुत खुशी हो रही है, आप सब इस कॉलेज की विद्यार्थी हैं और बहुत ही प्रासंगिक विषयों पर अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने आपको बताया, क्योंकि थाने से जुड़ी हुई, पुलिस मुकदमे से जुड़ी हुई जो समस्याएं यूथ को हो रही हैं आजकल, वो साइबर फ्रॉड और ट्रैफिक इत्यादि के संबंध में है, जिसके बारे में आपको पुलिस महोदय ने बताया किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को बेहतर उपयोग कर सकती हैं और उसके दुष्प्रभाव से बच सकती हैं। तो कोई भी तकनीक जो होती है, कोई टेक्नोलॉजी होती है, वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होती है, उसके कई फायदे होते हैं और वहीं कई नुकसान भी होते हैं। लेकिन हमें तकनीक को अपनाना चाहिए, उसे नकारना नहीं चाहिए, लेकिन उसके फायदे को ध्यान में रखते हुए।
तो आज सभी बच्चों को हमारी सरकार लैपटॉप बांट रही है, टैबलेट बांट रही है, इसलिए